हेलो फ्रेंड्स, यदि आप एक महिला हैं तो आपको वजाइनल डिस्चार्ज होता होगा और ये सभी महिलाओं की एक आम कंप्लेन है। यानी कि आपने सुना होगा श्वेत प्रदर या वाइट डिस्चार्ज या वजाइनल डिस्चार्ज, ये सारे के सारे एक ही कंपोनेंट हैं। तो ये क्या नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है, कि बीमारी वाला है या नहीं है, ये सबको होता है या किसी किसी को होता है? तो ये इतने सारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों के जवाब देने आज मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश है। इसी सब्जेक्ट पर आज हमने लाइव वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने लाइव इंटरेक्शंस भी किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि यदि आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को भी देख सकती हैं। बाकी वजाइनल डिस्चार्ज एक इस तरीके का डिस्चार्ज है कि नॉर्मल भी होता है, पैथोलॉजिकल भी होता है। सभी महिलाओं को थोड़ी बहुत मात्रा में तो वजाइनल डिस्चार्ज होता ही है और ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। यानी कि जब महीना आता है तो उसके बाद धीरे धीरे एस्ट्रोजन की एक्टिविटी बढ़ती है जिससे कि अंडे का साइज बढ़ता जाता है, और जैसे ही लेडी 10th दिन को क्रॉस करती है तो उसके बाद वाटरी डिस्चार्ज बढ़ने लग जाता है जिससे कि वजाइना का लुब्रिकेशन होता है। वजाइना का लुब्रिकेशन इंटरकोर्स करने में हेल्प करता है जिससे कि प्रेगनेंसी अचीव होती है। तो एक नेचुरल सिस्टम है क्योंकि 14-15 दिन के आसपास अंडा बन के फूट जाता है और जब अंडा फूटता है तभी प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे स्थिति में नॉर्मल लुब्रिकेशन बनाए रखने के लिए वजाइना का डिस्चार्ज बढ़ जाता है और वाटरी डिस्चार्ज होता है। ऐसी स्थिति में कई महिलाएं हमें शिकायत करती है कि हमें बीच महीने के बीच के दिनों में काफी ज्यादा डिस्चार्ज होता है तो हमें तकलीफ होती है। ये नॉर्मल है, इसको नहीं बदला जा सकता और ये होना चाहिए। यदि ये नहीं होगा तो तकलीफ होगी। अब जैसे ही अंडा फूट जाता है और उसके बाद प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती, लेकिन हार्मोन का चेंजेस हो जाता है और एस्ट्रोजन से प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है, और जैसे ही बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है डिस्चार्ज की मात्रा कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में थोड़ा ड्राइनेस लगने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम 25वें-26वें दिन को क्रॉस करते हैं तो धीरे धीरे फिर डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ने लगता है और वो आगे जाकर मेंसेस में चेंज हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है जिससे कि डिस्चार्ज आता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी किसी लेडीज की शिकायत होती है कि उनको डिस्चार्ज के साथ खुजली हो रही है, जलन हो रही है, इचिंग है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये वाला जो डिस्चार्ज है वो हो सकता है कि पैथोलॉजिकल हो, यानी बीमारी वाला डिस्चार्ज हो जिसका इलाज आपको लेने की जरूरत हो। यदि आपको इनमें से कोई सा भी एक लक्षण महसूस हो रहा है तो एक बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर आप चेकअप कराएंगे। चेकअप कराने से डॉक्टर आपको एनालाइज करके बताएंगे कि आपका जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मल है या पैथोलॉजिकल है, यानी बीमारी वाला डिस्चार्ज है। इसके जनरली हमें कल्चर स्वैब सेंसिटिविटी टेस्ट होता है जिससे कि ये पता चल जाता है कि इसमें कीटाणु है या नहीं है, और यदि बैक्टीरिया है तो उस पर कौन सी मेडिसिन काम करेगी जिससे कि एग्जैक्टली आपको वही मेडिसिन दी जा सके जिससे कि आपका परफेक्ट इलाज हो सके। यदि हम बिना टेस्ट के अगर कोई सी भी मेडिसिन खाते हैं तो एक तरीके से आप अपने ऊपर ही ट्रायल कर रहे हैं जिससे कि आपको अननेसेसरीली फालतू मेडिसिन खानी पड़ जाती है और जिसका इफेक्ट भी नहीं आता है। अब जो वजाइना में डिस्चार्ज होता है वो बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है या फिर ट्राइकोमोनियल होता है, जिनका की एक अलग अलग इलाज होता है और अलग अलग एंटीबायोटिक लगती है। तो यदि आप टेस्ट करा लेंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला कीटाणु है और उसका ये वाला मेडिसिन है जिससे कि आपका परफेक्ट इलाज हो सके। और यदि कल्चर पॉजिटिव आता है तो मेडिसिन खाने के बाद इस टेस्ट को रिपीट भी कराना होता है, और तब तक हमें मेडिसिन खानी होती है जब तक ये टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता जिससे कि एक ही बार में आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सके। क्योंकि महिलाएं बार बार ये भी कहती है कि हमने एक बार कोर्स लिया और उसके बाद हमें ठीक हो गया, उसके बाद दोबारा से बीमारी हो गई। दोबारा से इसलिए होती है कि वो एक बार में कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं होता है और आपका रेजिडुअल इन्फेक्शन रह जाता है। इसलिए जब भी ट्रीटमेंट कराएं कंप्लीट ट्रीटमेंट कराइए, आधा अधूरा इलाज नहीं करवाइए, क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक खाने से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी कि आगे जाके दवाइयां एक इफेक्ट करना बंद कर देती है और ऐसी स्थिति में कई बार आपको ऑपरेशन में लैंड अप करना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपना प्रॉपर इलाज कराइए, और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो घरेलू नुस्खों से बचिए और डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाइए। और आपको आगे भी इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस और सुनने हैं और जानने हैं और अपनी हेल्थ के बारे में आपको अपडेटेड रहना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फेसबुक और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकती हैं ताकि आपको छोटी छोटी नॉलेजफुल वीडियोस और छोटी छोटी नॉलेज आपको मिलते रहे जिससे कि आप हेल्थ के लिए अपडेटेड रहेंगी। तो स्टे अपडेटेड एंड कीप योर हेल्थ इन अ गुड पोजीशन। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।